Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone, online science class शिवम कॉन्वेंट स्कूल शुक्ला कॉलोनी नाम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के नेक्स्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। सजीवों में ऊर्जा प्रवाह। हरे पौधे भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे इस ऊर्जा के कुछ भाग का उपयोग अपनी वृद्धि के लिए तथा अन्य को अपने अंदर मांड के रूप में एकत्रित करते हैं। जंतुओं द्वारा पौधों का भोजन खाए जाने पर मांड में उपस्थित ऊर्जा जंतुओं को मिल जाती है। जब कुछ अन्य जंतु इन जंतुओं को खाते हैं तो वह ऊर्जा दोबारा मांसभक्षी के शरीर के रूप में भोजन में पहुंच जाती है। इस प्रकार ऊर्जा सूर्य से पौधों और फिर मनुष्यों तथा जंतुओं तक पहुंच जाती है। बच्चों यह श्रृंखला क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका चित्र है। फिर नेक्स्ट है पौधों तथा जंतुओं की परस्पर निर्भरता। ठीक है, इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जंतु तथा पौधे जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जंतुओं को जीवित रहने के लिए भोजन तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पौधे जंतुओं को यह भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन निकालते हैं तथा वायु को शुद्ध करते हैं। जंतु तथा मनुष्य श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इसके विपरीत जंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं जिसका उपयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं। इस प्रकार पौधे और जंतुओं में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के कारण वातावरण में संतुलन बना रहता है। मृत जंतुओं का शरीर मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए आवश्यक पौष्टिक तत्वों का निर्माण करता है। धन्यवाद।